इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, दो रोजा दौरे पर वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। आज न्यूज ने उनका शेड्यूल भी हासिल किया था। दफ्तर खारजा में वफूद की सतह पर मुजाकरात में एलेक्सी ओवरशक अपने वफ्द की कयादत करेंगे और दीगर अहम पहलुओं पर बातचीत भी की जाएगी। पाकिस्तानी वफ्द की कयादत नायब वजीर आजम इसहाक डार कर रहे हैं, जिन्होंने रिसीव किया है रूसी नायब वजीर आजम को, और इस मुलाकात के अंदर मुख्तलिफ एमओयूज पर दस्तखत भी किए जाएंगे। मीडिया टॉक भी मुतवक्के है। जबकि इस तमाम शेड्यूल के हवाले से आपको बताएं तो कल सदर, वजीर आजम और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। रूसी नायब वजीर आजम दो रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, आज उनका शेड्यूल आज न्यूज ने भी हासिल कर लिया है। बताया गया है कि इस मुलाकात के अंदर मुख्तलिफ एमओयूज पर दस्तखत होंगे, मीडिया टॉक भी की जाएगी और कल सदर, वजीर आजम और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। रूसी नायब वजीर आजम को पाकिस्तानी वफ्द की क्यादत करने वाले नायब वजीर आजम इसहाक डार ने उनको रिसीव किया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा खसूसी शौकत पराचा से। शौकत पराचा, बताइएगा रूसी नायब वजीर आजम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, मुलाकातें होंगी, मौकफ क्या रहेगा मुलाकात का? देखिए, ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं एलेक्सी ओवरचुक, ये बेसिकली कम्युनिकेशन, जमीनी रवाबत, तिजारत व मईशत के हवाले से रूस के सरकारी मामला देखते हैं, तो इस तनाजर में इनकी पाकिस्तान आमद बहुत ही अहम है कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान तजारती तावन को फरोग हो, मुआशी तावन आगे बढ़े, और खास तौर पर सदर प्यूटन ने जो ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है और पाकिस्तान की तरफ से ये इंडिया दिया गया था और कहा गया था कि हम इसको ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये बड़ा अहम है। अभी वो पहुंचे हैं, फिर शाम में कोई 4:30-5 बजे वो दफ्तर खारजा जाकर बाज़ाब्ता वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे, जिसमें नायब वजीर आज़म इसहाक डार अपने वफ्द की क्यादत करेंगे और एलेक्सी ओवरचुक रूसी वफ्द की क्यादत करेंगे। वहीं पर दोनों जो नायब वजीर आज़म है ये मीडिया से बात भी करेंगे और कुछ मुआहदों पर भी आज दस्तखत होने हैं, और आज रात को नायब वजीर आजम व वजीर खारजा इसहाक डार रूसी वफ्द के आजाद में इशाया भी देंगे। कल रूस का वफ्द पाकिस्तान में ही है, कल सदर से मुलाकात होनी है, वजीर आजम से मुलाकात होनी है और दीगर आला हुकाम से भी उनकी मुलाकात तय है। कल ही रूसी नायब वजीर आजम का वफ्द वापस चला जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत पराचा, इस हवाले से आपने अपडेट किया।